के जावेद खान एडवोकेट, जो इलेक्शन के सिलसिले में मैंने बात की है, अगर जमहूरियत सीखनी है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को, तो वो आके पाकिस्तान में पाकिस्तान के वकला से सियासत सीखें, जमहूरियत सीखें, कि हम जो है आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और मजबूत जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। हर साल कराची बार, हाई कोर्ट बार, पूरे पाकिस्तान की बार्स का इलेक्शन होता है, तो इसी जोश व खरोश के साथ इलेक्शन किया जाता है। सारे हमारे दोस्त होते हैं, जितने भी हैं, हर ग्रुप का कोई कैंडिडेट होता है। इलेक्शन जीतने के बाद, अभी जैसे इलेक्शन हो गया, इलेक्शन जीतने के बाद जो आए हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, जो हार गए वो भी हमारे दोस्त हैं। तो इंशाल्लाह एक साल इनको मौका होगा, अगर इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, तो ये आइंदा भी सर्वाइव करेंगे, नहीं किया तो चॉइस होगी लोगों के पास, दूसरों के पास। तो मेरा ये जो पॉइंट है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, कि वो आए इस इंस्टीट्यूशन से वकला की, उससे जमहूरियत सीखें कि जमहूरियत किस तरह होती है। वकला हर साल इलेक्शन करते हैं और हर साल नुमाइंदे बड़े जोश व खरोश से वो मुंतहिब करते हैं, कोई इसमें वहाँ पे हमारी गड़बड़ नहीं होती, कोई अपोजिशन भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे मफामत के लिए तनकीद बराए तनकीद नहीं की जाती, तनकीद बराए इसलाह करते हैं। हम काम के सिलसिले में जो अच्छे वकील काम करते हैं, हम उनको आइंदा भी लेके आते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे जीत गए हैं, वो उम्मीद है उनसे कि वो अच्छा काम करेंगे, जो हार गए वो भी हमारे भाई, वो आइंदा के लिए अपनी कमी कोताहियों को दूर करेंगे। तो मैं इस सिलसिले में पूरी अपने जो दोस्त जीत गए तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो हार गए हैं वो अपनी कमी कोताहियों को दूर करते हुए आइंदे के लिए अपना करें, दर बर्दाश्त नहीं हो। तो मैं अपने तमाम वकला बरादरी को ये पुरजोश पुरमन इलेक्शन होने पे मुबारकबाद देता हूँ, तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। ये आज हमारा कराची बार में इलेक्शन है, इंशाल्लाह जो भी जीतेंगे हमारे कैंडिडेट भी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक से पुरुमीद है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। सीरियल नंबर 39 पे मजीद और भी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ ये जमहूरियत, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत देखनी हो तो वकला से आगे सीखें। हर साल इलेक्शन होते हैं, हर साल जीत हार होती है, तो जो जीत जाते हैं बस, आज कोई यहाँ पार्टी नहीं है, काले कोट का सबका रिश्ता है, जो भी जीत जाते हैं वो संभालते हैं एक साल के लिए, जो हार जाते हैं वो उनके साथ चलते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयारी करते हैं। तो वो बड़े पुरमन तरीके से हमारा इलेक्शन होता है, पुरमन तरीके से सीट एक दूसरे को दी जाती है। तो आज भी इंशाल्लाह पुरमन तरीके से भी तक हुआ, इसके बाद जो भी जीतेगा वो बार का एक साल के लिए उसको मैंडेट मिल जाएगा, वो साल बाद फिर कोई और आएगा उसको मिलेगा। तो ये जमहूरियत जो है, मैं कहता हूँ आखिर में पाकिस्तान में अगर सीखती है तो वो कला से सीखे। जवान तो कैमरा क्या परेशानी है, ये देखें भाई, ये हमारे बचपने के दोस्त हैं, जब हम केवीए में आए थे उस जमाने के हैं, अब हम जवान हो गए हैं। ये रश क्यों है, क्या है, जरा बताइए ना, ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या है इलेक्शन का फ़ायदा है, नुकसान क्या है? जो है ना वो इलेक्शन होता है। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मोहब्बत से रहें, मुल्क की दुआ करें, हिफाजत करें, मुल्क के खिलाफ कोई साजिश को नाकाम बनाए। वकील एक ऐसी चीज़ है जो हर साजिश को नाकाम बनाते हैं, हमेशा इन्होंने बनाया, इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। आपका कहना ये वकीलों ने इस मुल्क को बनाया है और वकीलों ने इस मुल्क को चलाना है और वकीलों ने इस मुल्क संभालना है, क्या कहते हैं आप अपना नाम? चौधरी अब्दुल सत्ता भाई का पैगाम, ठीक है भाई, जज़ाकअल्लाह खैर भाई, आप भी कोई पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा अच्छा कोई बात।